कौन बोले भाई? आप बोलेंगे? आज हम लोग स्वर्णकार महिला समिति जो ठीक जो भी बोलेगा आप बोलेंगे ना? हाँ मैडम, आपका नाम बोलेंगे? मेरा नाम श्रीमती कमला सोनी। जी मैडम, आज जो स्वर्णकार महिला समिति तीज मेला जो सारे भारत में मनाया जाता है, आज यहाँ भी हम लोग बड़ा बाजार में भी है, यहाँ भी मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे मैडम किस तरह? वैसे तो आज तीज नहीं है, आज तो छठी है और तीज दो दिन बाद है हम लोग का, तो अमावस्या है आज, तीज दो दिन के बाद में है, तो उसके पहले हम लोग का खाने पीने का प्रोग्राम होता है और उसके बाद भी होता है, तो आज खाने पीने का पहले का प्रोग्राम है जी, इसके बाद व्रत का होता है, उसमें पूजा पाठ करते हैं और इसके पहले ये तीज में हमारा खाने पीने का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम लोग स्वर्णकार महिला समिति की सारी महिलाएं मिल करके और ये तीज का मतलब उत्सव हम लोग मना रहे हैं, तीज महोत्सव के रूप में। इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें हम लोग खाना पीना करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेल कूद करते हैं, मतलब एंजॉयमेंट का है, हर्षोल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। और ये माँ पार्वती जब शिव जी को शादी के लिए मतलब कर रही थी तो उस हिसाब से उनका चल रहा था कि वो, तो इसी उपलक्ष्य में सारी महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करती हैं और इसमें सब सज धज करके श्रृंगार करके अधिकतर सारे जितने सुहागन महिला थे वही आती है। व्रत का तो सिर्फ सुहागन महिलाएं ही करती हैं और बाकी सम्मिलित तो हर कोई हो सकता है, सब कुछ नहीं है, तो हमारे यहाँ की स्वर्णकार सारी महिलाएं इसमें सम्मिलित हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप बोलिए, आपका नाम? मेरा श्रीमती निशा रानी सरा जी। जो आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं मैडम, हम देखे थे सारी सुहागन महिला है, हर कोई सज धज के आई है, कोई सिंदूर लगाया, कोई टीका लगाया, कोई सोने चांदी के पहने हैं, कोई स्वर्णकार वाले तो जरूर सोना चांदी पहन के आते हैं यहाँ पर। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताएंगे, आप लोगों ने क्या क्या खेल कूद भी किया, क्या क्या एंजॉय किया? आज हम लोग ये प्रोग्राम किए छत्तीसगढ़ स्वर्णकार महिला मंडल सब मिल के, हम संबलपुर की कुछ फंक्शन किया जाए हमारा, क्योंकि ये तीज का त्योहार है, उसके पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए कि बेटियों को भांजियों को खाने पे बुलाया जाता है और फिर तीज के दिन उपवास रखा जाता है, बेटियों को मायके से ससुराल से लाया जाता है मायके, और उनको फिर कहना चाहिए खिला पिला कर, और दूसरे दिन उपवास के दूसरे दिन भी सब एक दूसरे के घर खाते हैं, तो इसी उपलक्ष में हम लोग भी एक एंजॉयमेंट किए और खाने पीने का प्रोग्राम किए हैं सब मिल के। थैंक यू मैडम। और आप बोलेंगे? बोलिए, आपका नाम? सुनीता सोनी जी। आज जो प्रोग्राम हुआ मैडम, आपने जिस तरह म्यूजिकल चेयर हुआ, क्या क्या आपने गेम खेला? हम लोग यहाँ पे आज तीज उत्सव कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें क्या होता है जैसे हमेशा रोजाना तो सभी महिलाओं को एक साथ मिल के कुछ प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, सब मिल के बहुत अच्छे से आनंद से उत्सव मना रहे हैं। इसमें हम लोग तीज के हर सुमलास के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, दो दिन बाद छठ होने वाला है उसके लिए भी। इसमें हम लोग महिलाओं के लिए बहुत सारे गेम रखे हैं, अंताक्षरी, चेयर गेम और भी एक मिनट प्रतियोगिता, आगे डांस का भी प्रोग्राम है, एक कटिंग भी होगा और पहले स्टार्टिंग मतलब दीप प्रज्वलित करके किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने मैडम हर महिला एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे का परिचय भी होता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है, सबको एक दूसरे का साथी भी और पारिवारिक संपर्क भी बढ़ जाता है। चलिए, आप बोलोगे? आपकी आवाज संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हो गया, हो गया, आप बोलोगे? चलो, हो गया रहने।